तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई लोगों, आप लोग सायरन हेड को तो जानते ही होंगे ना। सायरन हेड जब चिल्लाता है तो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और हमारे तोप भी भाई पलट जाती है, बोले तो काफ़ी खतरनाक है। और वो रहता है समुद्र की गहराई में, यानी समुद्र के अंदर रहता है, और कभी कभी हमारे वॉश टाउन में भोजन के लिए भी आ जाता है, और उसका भोजन होते हैं हम इंसान। भाई वो इंसानों को कच्चा जब आ जाता है, और हमारे सुपर हीरो ने उसको बहुत बार वापस से समुद्र में भगा दिया। दोस्तों सायरन हेड ने लिटिल संगम को भी मारा था, यानी यार उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो लिटिल संगम मारा गया। भाई सायरन हेड काफी खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों यार कम से कम 4 से 5 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी हमारा वॉश टाउन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे सुपर हीरो रोप हीरो इतने सारे वो है, लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं है। कभी ज़ॉम्बी आते हैं तो कभी सायरन हेड आता है, और अभी फिलहाल चुड़ैल आई हुई है हमारे वॉश टाउन में। तो दोस्तों हम लोगों ने तो इन सब से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर रखा है। क्या यार भविष्य के अंदर इन लोगों से बचने के लिए कोई अलग प्लान होगा? क्या उनके पास में इतनी शक्तियां होगी इन सब से बचने के लिए? दोस्तों आज हम जाने वाले हैं 2050 के वॉश टाउन में, यानी वहां के लोग यार इन सब से कैसे बचते होंगे। दोस्तों हम लोग उनके आर्मी टैंक यानी कि उनके हेलीकॉप्टर और पुलिस वाले सबको देख के आएंगे, देखेंगे कि क्या भविष्य में हमने क्या क्या तरक्की कर ली, यानी क्या क्या आविष्कार कर लिए भाई हमने। तो यार हमारा रोप हीरो भविष्य में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर भविष्य में दोस्तों हमें एक मशीन मिले ना, ऐसी मशीन जिससे दोबारा जिंदा हो सके, तो भाई लोग हम सबसे पहले जिंदा करेंगे हमारे लिटिल सिंगम को, क्योंकि भाई लोग यार उसकी काफी याद आती है मेरे को। तो दोस्तों यार चलते हैं भविष्य में अंदर, यानी कि 2050 के अंदर। स्वागत है 2050 में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 2050 में, और भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ भाई, हमारे चारों तरफ तो ये क्या है भाई, शील्ड एकदम कांच की दीवार खड़ी कर दी, यानी कि यहाँ पे तो समुद्र ही नहीं है भाई। इसका मतलब यार सायरन हेड वगैरह जो भी विलन थे वो सबके सब समुद्र के अंदर रह गए, और हम लोगों ने ये क्या खड़ी कर ली भाई, यानी चारों तरफ कांच की दीवार, यानी ऐसा शील्ड जिसको तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और हमारे रोप हीरो के पास भी आ चुकी है अद्भुत शक्ति, यानी कि भाई रोप हीरो भी अपग्रेड हो चुका है। अब यार इतने सालों आगे आ चुके, यानी कि भविष्य में आ चुके, और ये कार भाई, ये कार है या फिर पता नहीं क्या है, इसके भाई टायर भी नहीं है, यानी टायर भी हवा के अंदर झूल रहे। बताओ सर जी, एकदम हवा के अंदर, यानी कि ये गैस से चलते हैं भाई। यार यहाँ पे भविष्य की गाड़ियाँ तो काफ़ी अजीब है। और अभी हम जाने वाले मिलिट्री बेस के अंदर उनका हेलीकॉप्टर देखने के लिए। वैसे मेरे पास में काफ़ी अद्भुत शक्ति आ चुकी, इतनी फास्ट भागने की भाई, ये तो काफ़ी अच्छी शक्ति है वैसे हमारे पास में। और अभी हम जाने वाले हैं मिलिट्री बेस के अंदर, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, हम लोगों ने ये क्या भाई, पूरा वॉश टाउन ही बदल गया यहाँ पे तो, और यहाँ के तो फौजी भी बदल गए। सर जी हेलीकॉप्टर भाई कहाँ पे है, ये है क्या हेलीकॉप्टर? ओ भाई ये तो एलियन की तरह उड़ंत अस्त्री है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के उड़ने के लिए पंख भी नहीं है, यानी कि ये हेलीकॉप्टर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यार हमने तो ये हेलीकॉप्टर चुरा लिया उन फौजियों से भाई, इसके पास में तोप भी है, और यार वो क्या बोलते हैं, गोलियाँ भी चलती है। सर जी ये हेलीकॉप्टर उड़ाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, एकदम बिल्कुल यार ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने यार काफ़ी तरक्की कर ली। सच में यार हमने भविष्य में काफ़ी तरक्की कर ली यार। अभी इसको यहाँ पे या क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसे बनाया भाई इन लोगों ने, हमारे पास में तो ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं थे यार। अभी भविष्य में है तो भाई भविष्य के हेलीकॉप्टर तो कुछ इस प्रकार ही होने वाले हैं ना यार, हमारे भविष्य में कुछ ऐसे ही हेलीकॉप्टर आने वाले हैं। और देखो भाई इन लोगों ने अपने वॉश टाउन को बचाने के लिए चारों तरफ ये कांच की दीवार खड़ी कर ली, यानी कि ये पता नहीं क्या है भाई, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है कि यार बाहर के हमले हो ना, जितने भी सायरन हेड हो या फिर कोई सा भी मॉन्स्टर हो भाई, वो अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। देखते हैं कि क्या यार हम लोग तोप से इसको तोड़ सकते हैं क्या, यार तोड़ेंगे नहीं, पता नहीं टूट जाए तो फिर इन लोगों को बर्बाद हो जाएगी ना मेहनत। चलो भाई लोगों अभी और भी जगह घूमते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या तरक्की कर ली इन लोगों ने। यार वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा है, वॉश टाउन को काफ़ी छोटा कर दिया वैसे यार इन लोगों ने। और पेड़ देखो भाई पेड़, एक मिनट यार नीचे उतरना पड़ेगा मेरे को, हेलीकॉप्टर को नीचे लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा भाई, पेड़ को भी कांच के अंदर रखते हैं। बताओ सर जी कांच के अंदर कौन रखता है भाई पेड़ को? ये केले का पेड़ है ना जो हमारे वॉश टाउन में भी है, यार यहाँ पे भी है, लेकिन भाई लोगों इन्होंने तो यार कांच में ही बंद करके रख दिया, यानी कि पता नहीं ये लोग ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन कैसे लेते होंगे भाई। चलो फिलहाल चलते हैं और इनकी कार भी चला के देंगे, क्योंकि यार इनकी कार है ना मेरे को काफ़ी अजीब लगी यार, काफ़ी अजीब है भाई इनकी कार, यानी वो भी भाई टायर से नहीं चलती है वो,
वो भी गैस से चलती है। बताओ सर जी क्या टेक्नोलॉजी बनाई इन लोगों ने। दोस्तों टिप्सन भाई के पास में चलते हैं, यानी कि हमें उनको ढूंढना पड़ेगा ना, पता नहीं वो कहाँ पे होंगे यार। वैसे वो भी काफी ज्यादा बदल गए होंगे, उनके पास में पता नहीं कैसी कैसी मशीनें आ गई होगी, गन मशीन या फिर और भी टेक्नोलॉजी। चलो अभी नीचे चलते हैं। और नीचे क्या है भाई? पानी। इसका मतलब ये लोग यहाँ से पानी भरते होंगे पीने के लिए, क्योंकि यार इन्होंने छोटी सी नदी निकाल रखी है ना, समुंदर तो है नहीं इस पूरे वॉश टाउन में। अब यार ये कार देखो भाई, नीचे कार, इनके पहिए कितने चमचमाते हैं, यानी कि यार ये गैस से चलते हैं। और अभी मेरे को नीचे उतर के मेरे को भी कार चलानी पड़ेगी यार, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है इनकी कार है भाई। ऐसी कार्स तो मैंने कभी नहीं देखी। और यार इन पुलिस वालों की आदत कभी नहीं सुधरेगी यार, भविष्य में आने के बाद में भी ये लोग मेरे को मार रहे हैं यार। लेकिन मेरे पास में एक अद्भुत शक्ति है। ओ भाई अभी ये काम क्यों नहीं कर रही शक्ति? अभी करेगी भाई लोगों। और यार वो तो हट चुके हैं मेरे रास्ते से, अभी मेरे को और भी जगह घूमना पड़ेगा ना। वो देखो वहाँ पे कार जा रही है, वो वाली चलाएंगे। यार पुलिस वालों से उलझना काफ़ी मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि भाई लोगों उनके पास में अजीब अजीब हथियार है। बताओ सर जी ये देखो भाई, यहाँ पर तो फैन भी है यार, पुलिया के नीचे फैन भी लगा रखे हैं यार। काफ़ी बदल चुकी है पूरा वॉश टाउन। और अभी इसके ऊपर कूदने से क्या होगा? ओ मैं तो ऊपर आ गया। और भाई लोगों ये मेरे सामने कौन जा रहा है? मेरे को तो ग्रीन ट्रांसफॉर्मर लग रहा है। ओ भाई ये तो भविष्य में भी आ गया यार, ये तो यार हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा भविष्य में भी, ये यहाँ पे भी होगा भविष्य में भी होगा। बताओ सर जी, और ये हमारी फिर से पिटाई करने लग गया। बताओ यार ये कहीं पर भी आ सकता है, यानी सब चीज़ बदल जाएगी, लेकिन ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। अबे भविष्य में तो छोड़ दे कम से कम पीछे हमारा, यार जब देखो जब मारता रहता है हमारे वॉश टाउन में, यानी हमारे 2023 के वॉश टाउन में भी ये हमें मारता था, और अभी 2050 में भी हमें मारता है। लेकिन यार अभी क्या करें भाई, मारेगा तो मारेगा ना, हम उससे छेड़खानी करेंगे तो वो मारेगा ना। चलो कोई बात नहीं है, अभी यार घूमते हैं भाई। ये कार तो देखो भाई, कार कैसी उड़ रही है, यानी हवा के अंदर। बोले तो यहाँ की सड़कें भी अजीब है। और रे भाई, भाई 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 हमने छलांग लगा दी क्या? ओ हमारी कार के पीछे देखा आपने क्या था भाई वो? मुझे लगता है कि यार ये जितनी भी कारें हैं वो किसी पेट्रोल से नहीं चलती होगी, वो मशीन से चलती होगी। चलो भाई लोगों देख के आने दो भाई, उस कार के पीछे क्या लगा के रखा है इन लोगों ने। यार यहाँ पे दो मशीन है, यानी कि ये कार इसी से चलती है भाई, पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं होता इस कार के अंदर। दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पुरानी हो भाई, सबको बदल दिया है इन लोगों ने यार। इन लोगों ने क्या यार, हमने तो बदला है यार, क्योंकि हम जैसे जैसे तरक्की करेंगे ना, यानी जैसे जैसे भविष्य में जाएंगे वैसे वैसे बदलती जाएगी। ये देखो भाई चारों तरफ कांच वगैरह बिल्कुल फ्री फायर की तरह लगा के रखा है यार। वैसे मेरे को काफ़ी अच्छी लगी भाई ये सिटी यार, यहाँ पे सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ पे ना तो कोई ज़ॉम्बी है और ना ही कोई वो क्या बोलते हैं मॉन्स्टर है भाई। अभी मेरे को साइकिल दिख चुकी है। और आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक तो कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई लोगों सब्सक्राइब करने से आप यार हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे ना, यानी परिवार का। तो यार सब्सक्राइब तो कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।